तो बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑर्थो मेटापैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। देखते हैं कौन से ग्रुप्स जो ऑर्थो पैरामेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले पोजीशन एक बार देख लेते हैं। कोई ग्रुप अगर लगा हुआ बच्चों एरोमेटिक रिंग पर, तो जहाँ पर लगा रहता है उसे इप्सो पोजीशन बोलते हैं। जिस कार्बन पर अटैच होता है उससे नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है बच्चों ऑर्थो, उससे नेक्स्ट जो पोजीशन होती है कहलाती है मेटा, और नेक्स्ट पोजीशन क्या कहलाती है पैरा। तो इस तरह से रीड करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस साइड में भी क्या हो जाएगी बच्चों, ऑर्थो मेटा और पैरा, ये पोजीशंस जो होती हैं जो कोई ग्रुप लगा होता है उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर कोई ग्रुप ही नहीं लगा तो हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजिशंस कहलाएगी, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो जाएंगी दोनों, ये मेटा हो जाएंगी पोजिशंस और ये पैरा हो जाएंगे। कहने का मतलब है वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑर्थो मेटा पैरा जो काउंटिंग है, तो मेटा पैरा जहाँ से वो ग्रुप लगा हो और जिस पे लगा होता है वो पोजीशन क्या कहलाती है, इप्सो पोजीशन हो कहलाती है। तो बच्चों जो ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और फर्दर हम इसका नाइट्रेशन कराएं, तो ये ग्रुप डायरेक्ट करता है, क्या करता है कि नेक्स्ट ग्रुप कहाँ पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा। तो कुछ ग्रुप्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, कुछ ग्रुप्स क्या है बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कुछ ग्रुप्स क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। और वो ऐसा क्यों होता है उसी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बच्चों जैसे कि नाइट्रो ग्रुप का एग्जाम्पल हमने लिया है, फर्दर नाइट्रेशन कराएं, तो ये क्या कर रहा है नेक्स्ट आने वाले ग्रुप से कह रहा है कि तो इसको जो है केवल अलाउ कहाँ पे कर रहा है, इस पोजीशन पे अलाउ कर रहा है। ये पोजीशन कौन सी कहला रही है जिस पे लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, इप्सो ऑर्थो मेटा और पैरा। तो क्योंकि ये ग्रुप आने वाला ग्रुप कहाँ पर आ रहा है, मेटा पर आ रहा है, तो इसी नाइट्रो ग्रुप किस कैटेगरी में आ रहा है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये डायरेक्ट कर रहा है उसको कि नेक्स्ट ग्रुप आने वाला जो ग्रुप होगा कहाँ पर आएगा, वो मेटा पर आएगा। ऐसे जैसे एग्जाम्पल ले हम हाइड्रोक्सी बोलो OH ग्रुप का ले, अगर ये एरोमेटिक रिंग पे लगा हुआ है तो ये नेक्स्ट आने वाली Br2 को क्या कह रहा है कि आप जो है दोनों मेरे ऑर्थो पोजीशन पर आओ और पैरा पोजिशंस पर आओ, तो यहाँ मेटा पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कहलाएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो दो कैटेगरी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अगर कोई ग्रुप अलाउ करा मेटा पर तो मेटा डायरेक्टिंग। तो बच्चों क्या कौन कौन से ग्रुप्स उनको देखते हैं। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक तरफ रहे बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमने एक तरफ लिखे हैं और एक तरफ लिखे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो NO2, SO3, HCN, CO2, CHO, CO, NH3, ये कैसे कहलाते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग अलग ग्रुप कहलाते हैं। हैलाइड्स OHO, CH3, NH2, ये जो बेंजीन रिंग पे लगे हो तभी बात ही कर रहे हैं हम कब के मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा कब, ये पोजिशंस किस पर रहती हैं बच्चों, हमारी बेंजीन रिंग पर जब ये ग्रुप्स लगे रहते हैं। तो देखते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्थो पैरा एंड मेटा। तो बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो देखो इस तरह के ग्रुप्स हैं कि उन्हीं सब में, इसकी बात करें ऑर्थो पैरा की, उन सब ग्रुप्स में क्या रहते हैं लोन पेयर रहता है, और लोन पेयर क्या अगला करेगा बच्चों, इस रिंग को क्या कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा होता है। जैसे ये इधर गया तो ये निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर ऑर्थो पोजिशंस पर, और OH देखेंगे वो भी क्या है इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट डोनेटिंग ग्रुप्स ये लगे हुए हैं। NH2 ग्रुप है वो भी क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और मिथाइल ग्रुप है ये हाइपर कॉन्जुगेट, सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन क्या कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन को रिच बना रहा है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिनके पास लोन पेयर हैं डायरेक्ट कनेक्ट अटैच हैं किसे रिंग से, और कहाँ है हाइड्रोक्सी ग्रुप्स पे NH2 ग्रुप पे जो भी ग्रुप्स लगे हों उन पर क्या है लोन पेयर है, तो ये ग्रुप्स जो कैटेगरी कहला रही है जो इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिंग में निगेटिव चार्जेस जनरेट कर रही है, ये कह रहे आ रहे हैं बच्चों किस तरह के ग्रुप्स कहला रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग किस तरह के उनको देखते हैं, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में हमने इन जनरल क्या देखा है बच्चों, उन पर क्या है लोन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, उनके पास लोन पेयर है। आगे नेक्स्ट कैटेगरी जो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो किस तरह के ग्रुप्स हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग इस तरह के ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होने पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो भी ब्रेकआउट हो रहा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दूर की तरफ को, जब इधर को ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विड्रा करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है बच्चों कार्बोनिल ग्रुप है तो सी डबल बॉन्ड ओ, या साइनाइड ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो दोनों में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनमें क्या है डबल बॉन्ड्स हैं, इस तरह के डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड किधर को टूट रहा होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ को, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, तो क्या कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहलाता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। जबकि डोनेटिंग ग्रुप्स क्या है लोन पेयर वाले मीजोमेरिक प्लस एम्सो कर रहे हैं बच्चों, ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हों मेटा डायरेक्टिंग यहाँ पर,
रहेंगे, आगे रीजनिंग देखेंगे क्यों, और इनकी पहचान क्या है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, जैसे एरोमेटिक रिंग से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर मेटा डायरेक्टिव में, ये क्या है डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रा कर रहे हैं बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। डोनेटिंग वाले में आप देख रहे होंगे कैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लोन पेयर है इनमें, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगाए हैं, डोनेटिंग है, तो यहाँ पर ऑर्थो पर क्या पहुँचा रहा है, निगेटिव चार्ज पहुँचा रहा है। तो क्लियर कट हो गया होगा कि इन पे क्या है बच्चों, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर वाले हैं सारे, और इन कौन सी मेटा डायरेक्टिंग क्या है, डबल बॉन्ड्स है इनके पास, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। नीचे रीजनिंग में चलते हैं, तो ये क्लियर कट हो गया, ये ग्रुप्स इस तरह के ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग से लगे हुए हैं, और उनके बाद ये सारे के ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हैं, और उसके बाद इनके पास क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, और ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो एट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कैसे ग्रुप है बच्चों, इन पे क्या है लोन पेयर है, इन पर क्या है लोन पेयर है, तो ये विड्राइंग वाली नेचर वाले हो गए, इन पर क्या है लोन पेयर है। थ्योरी, थ्योरी क्या है बच्चों, क्यों डायरेक्टिंग है, चलो आगे देखते हैं, अच्छे समझ बात आएगी। थ्योरी ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट, तो बच्चों यहां पर द रेजोनेंस थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन सब्सटेंस आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो कौन सी थ्योरी बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, तो ये क्या कर रहा है डोनेटिंग इफेक्ट है, डोनेटिंग इफेक्ट से बच्चों यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हुआ इस ऑर्थो पोजिशन में, तो यहाँ पर क्या है एक निगेटिव चार्ज आया, नेक्स्ट क्या करेगा ये रेजोनेट करेगा, तो नेक्स्ट कहाँ पर जा रहा है बच्चों, ये पैरा पोजिशन पर जा रहा है, फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, तो क्या कहाँ पर जा रहा है ऑर्थो पर, तो इस ग्रुप ने हाइड्रोक्सी ग्रुप ने कहाँ पर ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचाई, निगेटिव चार्ज आया, फर्दर मेटा वाली जो पोजीशन थी उसको जंप करके फर्दर नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँचा है, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर चार्ज रहा है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर पहुँचा है पार्सली, या नेगेटिव चार्ज दो ऑर्थो पोजीशन पहुँचा है, और यहाँ पर ये चार्ज नहीं पहुँचा, कौन सी मेटा पोजीशन पर नहीं पहुँचा है, तो इस तरह ये डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचा रहे होते हैं बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशंस पर, या फिर दो ऑर्थो पोजीशंस पर, या फिर कहाँ पहुँचा रहे थे पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही होती, यहाँ से सीधा इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो रहा है, जब इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ऑर्थो पोजीशन पर, या फिर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच रही है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर, द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन सी पोजीशन पर ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, और या फिर पैरा पोजीशन पर, मेटा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नहीं पहुँच रही, इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव आया, फर्दर हो यहाँ पर जा रहा है, फर्दर ये यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसको रोटेट किया तो ये कहाँ पहुँच गई पैरा पर पहुँच गई, जब ये इस तरह से मूव किया है तो कहाँ पहुँच गई ऑर्थो पहुँच गई, एक बार मैं इसको तो ये आप एरो इनके देख सकते हो किस तरह से एरो लगे हुए हैं इस तरह से, या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसी पहुंच रही है ऑर्थो पोजिशन में, या फिर मैं पैरा पर, तो इससे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल वुड नेचुरली अटैक एट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो क्या करना आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ रहा है, उसे क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नेचुरली वो कहाँ पर अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है इसको, इन पोजिशंस में जहाँ पर हाइड्रोक्सी ने पहुँचाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से, मेटा पर तो अटैक होगा नहीं क्योंकि इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए कैसा डायरेक्टिंग हो गया, या तो ऑर्थो पर लगेगा या फिर पैरा पर लगेगा, तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं जिन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए हुए क्योंकि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो क्या पहुँचा रहे हैं ऑर्थो पर पहुँचा रहे हैं निगेटिव चार्ज, मेटा पर नहीं पहुँचा रहा है, पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुँच रही, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर करेगा, वो मेटा पर नहीं आएगा, इसलिए ये वाले ग्रुप्स कैसे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सम कॉमन मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस, मेटा डायरेक्टिंग सब्सटेंस देखते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने पहले पहचान बताई है, इस तरह के ग्रुप्स हैं जो डायरेक्ट किस तरह से डबल एरोमेटिक रिंग से लगे रहेंगे, और इन पर क्या रहता है बच्चों डबल बॉन्ड रहता है, तो इस तरह के ग्रुप्स क्या हैं मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे होते हैं, इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नीचे हम देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये देखा ही किस तरह का मेटा, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इधर को ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से ब्लैक किया, तो बच्चों यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज आ गया,
फिर ये रेजोनेट करेगा, ये यहाँ पर आया तो पॉजिटिव यहाँ आया, ये इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला गया। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, दो पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे जा रहा है या पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजिशन में। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर रहा है, खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल यह देखेगा उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, कम कर लिए, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ने अपनी तरफ को विड्रा कर लिया। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँचाया है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ले रहा है। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटर मिलेगी या मेटा पोजिशन पर बेटर मिलेगी, क्योंकि यहाँ से इसने नाइट्रो ग्रुप ने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लिया, विड्रा कर लिया। इसे ये वाले ग्रुप से जो कहलाएंगे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएंगे, ये मेटा पर पहुंचाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा मेटा पे लगेगा। द ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म हैव ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक एट दीज पोजिशन, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट द मेटा पोजिशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन एट द रेजोनेंस फॉर्म हैव ए पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पर और पैरा पोजिशंस पर, ऑर्थो पर पैरा ऑर्थो पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक एट दिस पोजिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजिशंस पर अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट द मेटा पोजिशन। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा बच्चों, मेटा पोजिशंस पर वो अटैक करेगा। तो यहाँ से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ने क्या किया, ऑर्थो और पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर ली, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने बच्चों क्या किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी थी। ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो इसने क्या किया था, इस तरह देख करके यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा दी थी, जबकि विड्राइंग ने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लिया, विड्रा कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की थ्योरी क्या है, क्या कौन से ग्रुप, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आकर के, क्योंकि उनको अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा मिले, बढ़ा देते हैं, तो मतलब रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं तो ये इतना अच्छे से अब नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं रिंग को, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं डीएक्टिवेट रिएक्शन के लिए, इतना ज़्यादा रिएक्शन रिएक्टिव नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहा। तो बच्चे दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें, यहाँ निगेटिव चार्ज पहुँचा दें, किस तरह के, जैसे जिन पे के पास लोन पेयर है। तो ऐसे ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिनके पास क्या रहता है, यहाँ लोन पेयर रहता है, और रिंग में क्या पहुँचा देते हैं, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं रिंग को, तो क्या कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन के लिए। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उस तरह के हो गए जो विड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से, जो रिंग से यह कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को विड्रा कर ले रहे हैं, तो इसमें क्या पहुंचा रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को विड्रा कर करके। तो इस तरह के ग्रुप्स क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। और ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन के लिए, क्योंकि आकर के रिएक्शन किसके साथ होनी थी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होनी थी। तो ये द रेट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेंज रिंग, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है किस पर डिपेंड करते हैं, कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो उस पर डिपेंड करती है बच्चों रेट, रिएक्शन का रेट, बेंजीन रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। इफ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, अगर रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर फास्टर अटैक करेगा। इफ़ द रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर क्या है, उसको पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया है, जैसे कि मैटर डायरेक्टिंग में, द अटैक इज स्लोअर, तो अटैक कैसा होगा, स्लो होगा। दस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दें, जैसे कि NH2 हो गया, OH हो गया, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा विल एक्टिवेट, तो क्या करते हैं रिंग को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टू वर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक वाइल एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विच जैसे कि NO2 हो गया, क्या करते हैं, विल डीएक्टिवेट, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर कहें तो NH2 ग्रुप क्या है, एक्टिवेट हो गया, रिएक्शन फास्ट हो गया। NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेट को क्या कर देगा, स्लोअर कर देगा बेंजीन से।
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेट एरिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को क्या, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि लोन पेयर वाले हैं, NH2 हो गया, OH हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेट एरिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सिचुएशन, वेयर एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डी एक्टिवेट एरिंग वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अब यहाँ पर ऑल दो FCl BRI आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लोन पेयर वाले हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग से ध्यान रख लेना है, ये भले ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन ST पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये कैसे ग्रुप्स कहलाते हैं, इसको डीएक्टिवेट करते हैं। कैसे, क्या करते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेट करते हैं। रीजन क्या रहा इनका, केवल स्पेशल केस जब यहाँ हेलोजन्स है तो इनकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसा है, वो मीजोमेरिक से या रेजोनेंस से ज़्यादा है, तो इतना दे नहीं पा रहे हैं जितना कि ये विड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेशल बात होगी कि ये हेलोजेंस जो है कैसे ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हो गए। हाल दो क्या कर रहे हैं, मीजोमेरिक की वजह से ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचा ही रहे, लेकिन इनको डीएक्टिवेट कर दें क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो जिसे बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट इनका डोमिनेंट इफेक्ट हो गया। दी सब्सटेंस डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग, ये वाले FCl BRI को अलग से ध्यान रख लेना है, डीएक्टिवेटिंग ऑल्दो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। Cl रिलीज इलेक्ट्रॉन इनटू द रिंग बाय रेजोनेंस एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ Cl का एग्जाम्पल है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Cl की हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव बना रहा है, रिंग को पॉजिटिव बना रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। लेकिन हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट रहता है, ज़्यादा प्रभावी रहता है, डोमिनेट द रेजोनेंस इफेक्ट एंड द नेट रिजल्ट इज दैट द रिंग इज रेंडर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लेस एक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इनमें कम हो जाता है, उसको जो है रोकता है, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि हेलोजेंस बच्चों क्या है, डीएक्टिवेटिंग हेलोजेंस क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, वो भले ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर हमने बात की एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के हैं, किस डिफरेंस में, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिच बना रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को पुअर बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिच बना रहे हैं नेगेटिव चार्ज हो क्या है एक्टिवेटिंग है, जो इसको पॉजिटिव बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो कैसे हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। बच्चों एक्सप्लेनेशन जो ऑर्थो पैरा और मेटा की, दूसरी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं हम, ऑर्थो पैरा और मेटा किसके बेसिस पे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम अगर बात करें। सेकंड एक्सप्लेनेशन कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो गए, कि अगर इंटरमीडिएट, अगर रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा तो ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेबल होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पर आप देखते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल हम पहले लें। तो यहाँ पर हमने लिया कि अटैक करा है ऑर्थो पोजीशन पर, अटैक करा के देख रहे हैं, एक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं पैरा पर अटैक करा के देख रहे हैं, और अटैक एट द मेटा पोजीशन। तो यहाँ पर देखते हैं अगर सपोज इसने रिएक्शन ने कहाँ पर अटैक किया, वाई कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन का NO2 या फिर Cl+ इसने अटैक किया यहाँ पर, तो ये अटैक हुआ इस पर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज करेगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज अब इस पोजिशन पहुँच गया, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँच गया। तो ये थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो थी ये क्या है बच्चों, यहाँ पर लोन पेयर है तो उससे स्टेबलाइज हो रही है, तो ए जो है बच्चों स्टेबलाइज हो रही है यहाँ पर। ऐसे अगर बच्चों इसने अटैक किया कहाँ पर, पैरा पोजिशन पर, पैरा पोजिशन पर जाकर के जुड़ा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्लियर है। फिर ये डिलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस में रहेगा, लेकिन इसकी जो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है, ये जो दिखाई हुई है। लेकिन ऐसा जब हमने मेटा पे इसका अटैक कराया, इसका अटैक मेटा पर कराया, तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, नेक्स्ट डिलोकलाइजेशन बच्चों ये कहाँ, यहाँ पर पहुँचा है, उससे नेक्स्ट डिलोकलाइजेशन में ये कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर, तो इस पोजीशन पर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है, जबकि ये यहाँ क्या कर सकता है, लोन पेयर से स्टेबलाइज। तो यहाँ पर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ऐसी
या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है, जो इसके लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जा सके। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे जब इसने अटैक किया था पैरा पर, तो यहाँ पर एक ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई थी जो इसके लोन पेयर से स्टेबलाइज हो पा रही थी। तो ये इंटरमीडिएट इसके लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइज हो पा रहा है, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए वाली बन रही है वो मोर स्टेबल हो गया। इंटरमीडिएट क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया पैरा पोजिशन पर जब अटैक हो रहा है, इस तरह के ग्रुप्स जब लगे हुए हैं, या फिर ऑर्थो पर अटैक हो रहा है तभी यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली मिल रही है जो कि इसके लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर लगा हुआ है इप्सो पोजिशन वहीं कैटायन का फॉर्मेशन हुआ अगर ऑर्थो पर अटैक हुआ है तो। लेकिन मेटा पे देखा हमने, मेटा में एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहुँचा रही हो। इसका मतलब मेटा वाली जो इंटरमीडिएट है वो काफ़ी अनस्टेबल रहेगा, वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा, वो हायर एनर्जी का हो गया। तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? हायर एनर्जी की, तो हायर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी, रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो गई। इसलिए अगर जो इस तरह के ग्रुप्स लगे रहते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, क्योंकि वो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर पाते हैं। किस तरह से? यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि इस लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पर भी बता सकते हैं ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है। तो इस तरह के ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर है वो कैसे ग्रुप्स कैटेगरी में आ गए? ऑर्थो पैरा, क्योंकि अगर जब अटैक ऑर्थो पैरा पर हो रहा है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रही है जिसको स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन मेटा में किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को वो स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। इन द केस ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो बच्चों इस तरह के एल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, तो वहाँ पर अगर एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज अगर पहुँच रहा है तो वो भी क्या रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं, जैसे सी एस सी हो गया या फिर इस तरह के ग्रुप, या फिर कहें हाइपर कंजुगेशन की वजह से, ठीक है, तो भी उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं। अगर मेटा पे अटैक हो गया तो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर वे में पॉजिटिव चार्ज जो मेटा पे अटैक करा हुआ इसका, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ जहाँ पर ग्रुप लगा वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर, तो पैरा पर अगर ग्रुप लगा हो लगा रहे हैं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो यहाँ पर पहुँच पा रहा है जिसको डायरेक्ट स्टेबलाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसे जाएगी? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट, ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये मोर स्टेबल हो गया क्योंकि डायरेक्ट अटैच हो और उसको स्टेबलाइज कर पा रहा है, लेकिन मेटा अटैक इससे नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट इतना स्टेबल नहीं है, कैटायन उसके एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उनकी क्या कहानी है उसको देखते हैं। अगर मेटा ग्रुप लगा हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके भी हम तीन बार क्या दिखाएंगे? अलग अलग लोकेशन पर अटैक करके दिखाएंगे। सपोज इसने अटैक किया ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और जिस पर लगा वहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या कर रहा है? इसको अनस्टेबल बना रहा है। अगर ये बच्चों वाई ने अटैक किया पैरा पर, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ जनरेट, फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर यहाँ पर फिर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी काफ़ी क्या होगी? अनस्टेबल हो गई। नाइट्रो ग्रुप अनस्टेबल कर रहा है जब ऑर्थो पर अटैक हुआ है, पैरा पर अटैक हुआ है, उसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है जिससे अटैच है, वहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सपोज मेटा पे अटैक हो, मेटा पे अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो बच्चों कहाँ जाएगा? ये यहाँ पर आएगा, तो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँचा? यहाँ पर पहुँचा है, और उससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों चार्ज कहाँ पर पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया। ये मेटा अटैक एट द मेटा पोजिशन पर कराया, तो इसमें किसी तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर इप्सो पोजिशन पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुँचा है किसी में भी, तो इसका मतलब ये इसमें कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अनस्टेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर जब इसने पैरा पर अटैक किया था या ऑर्थो पोजीशन में जब अटैक किया था वाई ने जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली थी जहाँ से अटैच था वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इसलिए इसका फेवरेबल पोजिशन कौन सी होगी बच्चों? मेटा वाली पोजिशन हो गई, और ये जो है उसको स्टेबलाइज कर पा रहा है, या कहें कि इंटरमीडिएट को इतना अनस्टेबल ये नहीं कर पा रहा है अगर अटैक कहाँ पर हो रहा है? वाई पोजिशन पर। तो इस बेसिस पे हम कह पा रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रो ग्रुप क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये इन पोजिशन पर अगर ऑर्थो और पैरास पर अटैक हो रहा था तो वहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रह रही थी जिस जो कि क्या हो रही थी? अनस्टेबल हो रही थी, क्योंकि उसी पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज पहुँच रहा था, ठीक है। जब ऑर्थो अटैक करा रहे थे तब भी वहाँ पर पहुँच गया था, और पैरा पर करा रहे थे तभी वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पहुँचा है जिससे वो डायरेक्टली अटैच है, इसे उसको अनस्टेबल कर रहा है। मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस तरह से दो वे हमने देखे हैं बच्चों,
इसके कि कुछ ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग क्यों है या पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। इसके बाद हमने कह लिया हैलोजन, बच्चों हैलोजन क्या है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं हैलोजन, ऑल दो क्या है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऊपर हमने इसकी बात की थी। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर थर्ड ग्रुप है, यहाँ पर तो बात की थी अगर एक ही ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप कहाँ पर आएगा, और तो ये मेटा या फिर पैरा, लेकिन यहाँ पर अगर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फिर कैसे डिसाइड करें कि आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर लगेगा, किस पोजीशन पर लगेगा, उसी बात करें। व्हेन बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन, अगर बेंजीन में पहले से दो ग्रुप हैं और तो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर वो ग्रुप्स कैसे हैं और तो पैरा, द मोर पावरफुल ग्रुप कंट्रोल द ओरिएंटेशन, उनमें जो पावरफुल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि आने वाला ग्रुप कहाँ पर लगेगा। तो कौन ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, बच्चों ये इसकी सीरीज है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप और NH2 ग्रुप में, NH2 ग्रुप पहले आ रहा है तो NH2 ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है, तो ये आने वाला ग्रुप इसके NH2 के ऑर्थो पर परसेंटेज ज़्यादा होगी हाइड्रोक्सी के कंपेरिजन में, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल ओरिएंटिंग ग्रुप है, ये ज़्यादा डायरेक्ट करेगा। जैसे मिथाइल और OH में कौन सा डोमिनेट रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, OH जो है बेटर है मिथाइल से, तो इसका पैरा पोजीशन जो है बेटर हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ऑर्थो और पैरा पर, तो ये एक तो बच्चों ऑर्थो ब्लॉक है, दूसरी ऑर्थो पर, क्योंकि उधर क्या आ गया मिथाइल आ गया, और ये इसका क्या आ रहा है मेट आ रहा है, ये भी मेट आ रहा है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप की एक एक पोजी एक ऑर्थो रहेगी एक पैरा रहेगी, थोड़ा सा स्टेरिक रीजन भी यहाँ पर रहता है ऑर्थो पर, तो यहाँ पर जो विन करेगा यहाँ पर ये पैरा, दो एरो दिखाए हुए मतलब ये पैरा पोजीशन है इसकी हाइड्रोक्सी में, तो मिथाइल के कंपेरिजन में हाइड्रोक्सी ग्रुप बेटर है और वो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। ऐसे में जो मिथाइल मिथाइल और सीएल में, तो क्लोरीन के क्लोरीन भी क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मिथाइल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन मिथाइल विन कर रहा है, रीजन क्या है, मिथाइल ग्रुप हमारा जो है हैलोजन्स है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाते हैं हैलोजन्स, उससे बेटर डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस तरह से बच्चों जैसे Cl और Br में अगर हम कंपेरिजन करें तो Br लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये विन करेगा, इसके ऑर्थो पर आएगा, दोनों ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है, लेकिन Br ज़्यादा विन कर रहा है, दो एरोस दिखाया हुआ है। तो व्हेन बोथ ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, अगर दोनों ग्रुप ऐसे लगे मेटा डायरेक्टिंग तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप्स होते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस द थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। When one group is ortho para directing and other one is meta, या एक क्या ortho para directing और meta, तो but the orientation reinforce each other, the third group enter almost entirely to one position, तो बच्चों एक ये meta directing है तो meta इसकी ये वाली position बैठ रही है, लेकिन मिथाइल की ये क्या आ रही है ortho position आ रही है, तो एक ही position पर लग जाएगा, ये भी कह रहा है कि meta पर आ, ये meta directing, ये कह रहा है इस position पर लग, और मिथाइल भी क्या कह रहा है इसी position पर लग, क्योंकि इसका ortho है और इसका क्या आ रहा है वो ऑर्थो मेटा, तो ये पोजीशन नाइट्रो ग्रुप की मेटा आ रही है, तो दोनों ही डायरेक्ट एक ही पर कर रहे हैं, वहीं रिएक्शन का आने वाला ग्रुप वहीं पर लग जाएगा। जैसे हाइड्रोक्सी और NO2 ग्रुप दो ग्रुप्स हैं, ये कह रहा है कि यहाँ मेटा पर आओ और ये कह रहा है कि यहाँ ऑर्थो पर आओ, फिर तो वहाँ पर डाउट ही नहीं है, दोनों ग्रुप एक ही पोजिशन को डायरेक्ट कर रहे हैं। When one group is ortho para directing and another is meta directing, ortho para directing group take प्रीसीडेंस ओवर द मेटा डायरेक्टिंग, तो ये कह रहे हैं कि बच्चों अगर एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक क्या है मेटा डायरेक्टिंग है ग्रुप है, तो जो है ऑर्थो वाला विन करता है, ऑर्थो के अकॉर्डिंग लगे मतलब हाँ ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग लगेगा मेटा के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर जो पोजिशन हुई इसकी पैरा पोजिशन बेटर हुई है। जैसे सी एल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और NO2 क्या है, NO2 ग्रुप जो है बच्चों मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये भी इसकी मेटा ये पोजीशन आ रही है और ये पैरा क्या है पैरा इसकी पैरा ये आ रही है, तो दोनों ही ग्रुप यहाँ पर एक पोजीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रुप जो है हमारा लगेगा ऐसे, इसका ये मेटा आ रहा है और इसका ये क्या आ रहा है पैरा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लग जाएगा आने वाला थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप दो के बेसिस किस तरह से आए। व्हेन टू ग्रुप्स अकर मेटा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड थर्ड ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू एंटर बिटवीन द टू ग्रुप, तो बच्चों जो आने वाला ग्रुप है ये लीस्ट लाइकली बिटवीन नहीं आएगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक मतलब इन दोनों की भीड़ भाड़ की वजह से उसको स्टेरिक होगा और यहाँ मिड में नहीं लगेगा, ठीक है, तो अदर पोजीशंस पर वो आएगा, जैसे कि Br यहाँ आया 60% यहाँ पर बनाएगी।
लेकिन उन दो के मिड में नहीं। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगा है, इनके मिड में नहीं है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, क्योंकि मिड में क्या रहेगा, स्टेरिक रहेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने कुछ ग्रुप्स देखे कि कौन से ऑर्थो पैरामीटर डायरेक्टिंग है। अगर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फिर उसमें कौन सा विन करेगा, अगर टू ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये समझ में आया होगा। और दो तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दी इनकी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एटलीस्ट ये आपको याद रहना चाहिए, जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स है और विड्राइंग ग्रुप्स हैं, तो कैसे मेटा डायरेक्टिंग इस तरह के ग्रुप थे, ये मेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे, CN, CWO, CH, CUR, NH3। इनमें इस तरह से बच्चों डबल बॉन्ड्स था, इस तरह के ग्रुप्स जो थे वो डबल बॉन्ड वाले, और जो लोन पेयर वाले थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, और जिनकी हमने रीजनिंग में नीचे देखी थी।